नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। गोमांस तस्करों को पकड़ने गई थी यूपी पुलिस, जवाब में तस्करों ने ही पुलिस पर हमला कर लिया। इसके बाद पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया जिसके बाद चारों तरफ भगदड़ मच गई। जी हां, उत्तर प्रदेश के उन्नाव के आसवीन थाना क्षेत्र के एक गाँव में गोमांस तस्करी का मामला सामने आया। खबर है कि पुलिस टीम पर वहां अचानक गोमांस तस्करों ने हमला किया, जिसके बाद दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। घटना में एक तस्कर के पैर में गोली और वहीं पर वो गिर पड़ा। वहीं पुलिस की छानबीन में आरोपी के पास से असलहा बरामद हुआ है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक थाना क्षेत्र के लखनऊ बंगरमऊ मार्ग पर मुरतरू तिराहे के पास गोवांस की हत्या कर उनके मांस का कारोबार किया जा रहा था। जब पुलिस को इसकी सूचना हुई तो वह मंगलवार तड़के करीब 3 बजे वहां पहुंचे, लेकिन तस्करों ने पुलिस को देखकर गोली चला दी। बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस से हुई इस मुठभेड़ में थाना क्षेत्र के गाँव मुशीराबाद का रहने वाला गोमांस तस्कर मुजीद पुत्र बच्चा घायल हो गया। पुलिस ने उसे स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, फिर उसे अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने आरोपी के घर में से भारी मात्रा में गोमांस बरामद किया है। उसे पकड़ने के दौरान 4 व्यक्ति भागने में भी सफल रहे, जिनकी तलाश में पुलिस हर जगह दबिश दे रही है। आपको बता दें, गोमांस की हत्या का मामला पिछले दिनों यूपी के सोनभद्र से आया था। वहां पुलिस ने जिले के बरखड़ा गांव में नवविचाचित प्रधान रकुमबीदीन को गिरफ्तार किया था। एक अधिकारी के मुताबिक रकुमबीदीन के अलावा 4 दूसरे लोग भी गौ हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। स्थानीय नागरिकों ने बताया था कि रकुमबीदीन कथित तौर पर चुनाव जीतने पर मतदाताओं को बीफ पार्टी देने का वादा किया था। 6 मई 2021 को देर रात बीफ पार्टी और गौ हत्या की खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि गौ हत्या के आरोप में ग्राम प्रधान के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।